हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जेके सोशल वेलफेयर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फ्रेश एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रीन्यू एप्लीकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेश एप्लीकेशन प्लस आपको कुछ क्वायरीज जो लोगों को आ रही थी रीन्यू एप्लीकेशन को अप्लाई करने में और फ्रेश एप्लीकेशन को अप्लाई करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना है jk.gov.in/jke-services/home। जैसे आप ये लिंक सर्च करेंगे, इस लिंक को मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो इस तरह से एक न्यू पेज ओपन होगा। आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। जिन्होंने अभी तक यहाँ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। सिटीजन रजिस्ट्रेशन आपको न्यू दिख रहा होगा नीचे, तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इस वीडियो को फॉलो करके अपनी सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं भी सब ने ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन की हो, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के दौरान सिटीजन रजिस्ट्रेशन हुई थी तो आप सबके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा होगा। तो आपको सिंपली लॉगिन आईडी और पासवर्ड और रोल में सिटीजन और कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपको यहाँ पे सेकंड में दिख रहा होगा ई सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देना है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो जैसे आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पे क्लिक करता तो इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होता है। मैं आपको इस पेज को दोबारा क्लियर कर दूं, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था लेकिन इस वीडियो में दोबारा क्लियर कर दूं जो इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं। फ्रेश एप्लीकेशन उनके लिए है जो मतलब फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। जो भी SC OBC या और भी जो भी कैटेगरीज यहाँ पे एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश एप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप स्कॉलरशिप को अप्लाई फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना। अगर आपने पहले भी एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इस पोर्टल से तो आपको रीन्यू स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। रीन्यू स्कॉलरशिप के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ से पूरी फॉलो कर सकते हैं उस वीडियो को। फ्रेश एप्लीकेशन में के बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। आपको फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखा दूं मैं, इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। आपकी डिटेल्स होगी पहले नंबर, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वायरीज थी वो भी डिस्कस करेंगे और जो फ्रेश एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इनकम डिटेल्स। इसके ऊपर कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, तो इस फॉर्म को मैंने हाइड रखा हुआ, जो आपकी डिटेल्स होगी जो भी आपने सिटीजन रजिस्ट्रेशन में भरी होगी। उसके बाद आपको इस तरह से स्टेप वन आता है इनकम सेटिंग, इनकम डिटेल्स। इनकम डिटेल्स में आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप कैटेगरी पहले सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है आपकी कौन सी कैटेगरी है। SC है, OBC है, PCP या EBC या DNT, कोई भी कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैं बता दूँ ST के लिए अलग से पोर्टल है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी कैटेगरी होगा आपको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है पेरेंट ऑक्यूपेशन या गार्डियन। तो आपके जो भी हैं गवर्नमेंट सर्विस करते हैं आपके पेरेंट्स या प्राइवेट सर्विस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, जो भी होगा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम आपकी 2.5 लाख साल से कम होनी चाहिए, मतलब साल की 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे आप जेके बैंक ही डालें, तो क्योंकि जेके बैंक में जल्दी ट्रांजेक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको बैंक डिटेल्स में जेके बैंक की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको बैंक नेम लिखना है, ब्रांच नेम लिखनी है, यहाँ पे अकाउंट टाइप सेविंग्स होता है क्योंकि करंट होता है बिजनेस वालों के लिए, तो आप सेविंग्स पे क्लिक करके अकाउंट नंबर डाल दें, IFC कोड डाल दें। अगर आपको IFC कोड नहीं पता तो आप अपनी बैंक की जो पासबुक है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है एकेडमिक डिटेल्स ऑफ लास्ट / प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स। इसमें बहुत सारे लोगों को क्वायरी आती है यहाँ पे कौन सी डिटेल डालनी है, एकेडमिक डिटेल्स कौन सी डालनी है। मैं आपको बता दूँ, जो आप प्रेजेंट कोर्स कर रहे हैं, जैसे अगर आप थर्ड सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर में हैं, ठीक है, उस सेमेस्टर से पहले, जैसे अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं तो
आपको फोर्थ सेमेस्टर की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। अब कुछ लोगों की ये भी क्वायरीज थी कि फोर्थ जो सेमेस्टर है वो उसका रिजल्ट नहीं निकला है कोविड के दौरान, जो भी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए जहाँ मास प्रमोशन नहीं हुई है, तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, तो उससे पहले थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे आप रिजल्ट डाल दें, ठीक है। यानी कि लास्ट में जो भी आपका कंप्लीटेड कोर्स हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दें। थर्ड सेमेस्टर में अगर आपकी कोई रिपेयर है, एक रिपेयर होगी तो वो उसके जो पासिंग मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे टोटल मार्क्स जो भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, अपने एग्जामिनेशन नेम डालना है, जो भी आपका एग्जामिनेशन नेम होगा, इंस्टीट्यूट नेम जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डालना है, जिस ईयर में आपने वो जो आपकी एकेडमिक डिटेल्स आप थर्ड सेमेस्टर डाल रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर डाल रहे हैं, जो आपने पास किया जिस ईयर में, उसके बाद आता है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने ऑब्टेन कितने किए। अगर आपका कोई रिपेयर है तो उसके पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिटेल्स डाल के अपने मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अब कुछ लोगों को परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको मैक्सिमम और ऑब्टेन की इसकी परसेंटेज निकालने के बाद आप यहाँ पे फिल करें। अगर आपको प्रीव्यू के दौरान कोई भी क्वायरी आती है उसमें उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी इतनी इतनी परसेंटेज बन रही है, तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था, उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ कोर्स बीइंग प्रेजेंटली परस्यूड और टू बी परस्यूड। मैं आपको बता दूँ इसमें थोड़ा क्वायरी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नेम ऑफ कोर्स में आपको जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीबीएस, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। एकेडमिक ईयर आपको डाल देना दिस ईयर, जो इसके जिस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट ईयर के लिए। तो उसके बाद आता है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में देख लें, अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर करवा दें। रजिस्टर करवाने के लिए आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक आपको पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ अपने इंस्टीट्यूट को सेंड कर दें और उसमें फिलअप करने के बाद उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू को मेल कर दें, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ एडमिशन डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ एडमिशन होगी आपकी फी रिसिप्ट पे लिखी होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, और आपका जो कोर्स है कितने ईयर का वो ईयर में आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ स्टूडेंट, वो हॉस्टल है या डे स्कॉलर, अगर हॉस्टल है तो आपको फी जो भी उसकी हॉस्टल की फी रिसिप्ट होगी वो यहाँ पे अटैच करनी होगी, अगर आप डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर पे क्लिक कर दें। उसके बाद था टाइप ऑफ कोर्स में आपका पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम डालें, फुल टाइम है तो फुल टाइम डालें। नेक्स्ट आपका आता है फी डिटेल्स, फी डिटेल में आपको मैं यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, फीस शुड बी एंटर्ड एज पर द रिसिप्ट, जो आपकी रिसिप्ट में फीस लिखी हुई है वही यहाँ पे फिल करें। अगर आप कोई और मतलब आपकी फी रिसिप्ट में कुछ और है फीस और यहाँ पे आप कुछ और डाल रहे हैं तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंशन किया हुआ है नोट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अटैचमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ लेकिन आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं नोट आप पढ़ लीजिए, नोट वन में लिखा हुआ है आपके जो भी आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए और जहाँ वो अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए किसी भी गजटेड ऑफिसर से। उसके बाद आता है जो साइज है, जो साइज होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, पर्टिकुलर एक का नहीं, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए 7 अपना 6 यहाँ से मान के रखिए और जितने भी आपके 6-7 जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो 500 KB से कम होने चाहिए, 500 KB से कम होने चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 50 KB 70 KB की एक फाइल होनी चाहिए तभी आपके जो 500 KB से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परमानेंट PRC अगर आपके पास पड़ा है वो डाल लीजिए, आपका डोमिसाइल बन चुका है तो डोमिसाइल जहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, PDF भी सपोर्ट करता है ये, और उसके बाद अगर आप फोटो में हैं तो फोटो में डाल सकते हैं JPEG फाइल में। उसके बाद आता है फी रिसिप्ट, फी रिसिप्ट यहाँ पे आपको ओरिजिनल डालनी होगी, ओरिजिनल फी रिसिप्ट को यहाँ पे डालें। प्रीवियस ईयर मार्कशीट, यानी कि जो भी मैंने आपको ऊपर डिटेल्स बताई, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का जो भी क्वालिफाइड होगा आपका, यानी कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में है तो फोर्थ का नहीं है तो थर्ड का यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका फोर्थ का बड़ा हुआ है आपके पास बन चुक मतलब आपके पास मार्कशीट पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हॉस्टल फी, अगर आपका है तो आप हॉस्टल पे डाल दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है। तो उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट, आपको जो है नोटरी ऑफिस यानी कि कोर्ट से जो है बनवाना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे वो आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप, जो भी आपके पेरेंट्स की होगी वो यहाँ पे आपको अटैच करनी है। उसके बाद 10th नंबर पे आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे डालने के बाद आपको
जो ये क्लिक बॉक्स दिख रहा है डब्बे पे आपको टिक मार देना, उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना, देखना अगर आपके कोई भी यहाँ पे मिस्टेक आपने की है वो आप करेक्ट कर दें। उसका प्रीव्यू करने के बाद उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वारी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपको मेरी मेल स्क्रीन पे शो हो रही है, या आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल किसी भी इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपकी क्वारी सॉल्व करके दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना।